नमस्ते दोस्तों, मैं ज्योति सदेवा YouTube पर सलोनी वर्ल्ड में आपका स्वागत करती हूँ। सूजी का हलवा एक बहुत ही स्वादिष्ट और आसान रेसिपी है, जिसे भारतीय परिवार में ज्यादातर नाश्ते में किसी धार्मिक अवसर पर या किसी त्योहार पर, जैसे नवरात्रि, गणेश चतुर्थी आदि पर प्रसाद के रूप में बनाया जाता है। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ सूजी का हलवा। तो आइए देखें इसे बनाने के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत है। आधा कप सूजी, एक तिहाई कप चीनी, इसे आप अपने स्वादानुसार कम ज्यादा भी कर सकते हैं। एक चम्मच बेसन, कुछ केसर की पत्तियां जिसे हमने दो चम्मच दूध में पहले से भिगो लिया है, आधा कप घी, 1/4 चम्मच इलायची पाउडर, कुछ मिले जुले ड्राई फ्रूट्स और 2 कप पानी। सबसे पहले धीमी आंच पर कढ़ाई में घी डालिए। जब घी गर्म हो जाए तब इसमें एक चम्मच बेसन डालिए और इसे सुनहरा भूरा होने तक सेक लीजिए। अब इसमें सूजी डाल दीजिए। इसे लगातार चलाते हुए भूनिए। जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाए तब इसमें चीनी और पानी डालिए, केसर और इलायची का पाउडर डालिए। अब इसमें ड्राई फ्रूट्स भी डाल दीजिए। लगातार चलाते रहिए जब तक यह कढ़ाई के किनारों को छोड़ नहीं देता। अब हमारा हलवा तैयार है। अब हमारा सूजी का हलवा तैयार है, इसे गर्मा गर्म परोसिए। थैंक यू फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल सलोनीज वर्ल्ड को जरूर सब्सक्राइब करें।